एक अद्भुत सैनिक और एक पौराणिक कहानी का नायक, तुम्हारा भाई जिसे देवता मानते हैं, जब वो आएंगे, और वो जरूर आएंगे, कहां की दिखाई जाएगी कहानी, कैसे मिलेंगे तीनों योद्धा, कौन प्ले करेगा तीसरा कैरेक्टर। जैसे कि आपने पिछली फिल्म में देखा होगा कि कोमराम भीम और अल्लूरी सीतारमन दोनों ही आदिवासियों के अधिकारों के लिए लड़ते हैं और जीत हासिल करते हैं। ठीक उसी तरह ही फिल्म के सीक्वल में भी दोनों को फिल्म के नए कैरेक्टर के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए हमें देखने को मिल सकता है। पर यहाँ सवाल ये उठता है कि इस बार फिल्म की कहानी कौन सी जगह पर बेस्ड होगी। पिछली वीडियो में अगर हम बात करें दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था कि इस बार फिल्म का जो तीसरा मेन कैरेक्टर फ्रीडम फाइटर खुदीराम बोस का होगा, जिन्हें असल जिंदगी में केवल 18 साल की उम्र में ही मौत के घाट उतार लिया गया था, पर फिक्शन स्टोरी के चलते फिल्म में उनके बड़े होने की कहानी दिखाई जाएगी। खुदीराम बोस बंगाल के मोहबानी में जन्मे थे, इसलिए फिल्म की बात करें तो कहानी भी बंगाल पर बेस्ड होगी। कहानी की अगर हम बात करें उस वक्त की है जब अंग्रेजों हमुकत अपनी निर्दयता पर उतर चुके थे। बंगाल के लोगों की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, जहाँ एक तरफ अंग्रेज लोगों को एक गुलाम से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर औरतों की हालात भी और भी खराब थी। खुदीराम बोस के पिछले कारनामों की वजह से वो अंग्रेजों की नज़र में बने हुए थे, पर जेल जाने के बाद खुदीराम की बहन उनको अब किसी भी तरह का काम करने के लिए मना कर देती है। अपनी बहन की कसम से बांध कर अगर हम बात करें, वो कुछ वक्त के लिए अपनी मौसी के यहाँ चले जाते हैं। एक दिन जब वो वापस अपने घर आते हैं तो रास्ते में वो कुछ ऐसा देखते हैं दोस्तों, जिससे उनके अंदर का सोया हुआ क्रांतिकारी एक बार फिर से जाग जाता है। खुदीराम बोस जब अपनी मौसी के यहाँ थे, तब उन्हें कोमाराम भीम और अल्लूरी के बारे में पता चलता है। लौटने पर अपने सामने अगर हम बात करें होते हादसे को देखकर खुदीराम का खून खौल जाता है। फिर वो किसी भी तरह से कोमाराम भीम और राम से मिलने का मन बना लेते हैं। खुदीराम को अगर हम बात करें तो दोनों के बीच की जो दोस्ती है और उनके अनोखे साहस का पहले से ही पता चल जाता है, जिससे उसको इतना समझ आ जाता है कि अगर उसकी बात दोनों में से किसी एक तक भी पहुंच जाती है तो दोनों ही उसकी मदद करने के लिए ज़रूर आएंगे। अपनी बहन की कसम से बांधे होने के कारण खुदीराम कोमाराम और अल्लूरी तक अपनी बात पहुँचाने का एक अलग तरीका निकालता है। खुदीराम की अगर हम बात करें, उन दोनों के नाम एक चिट्ठी लिखता है और उसे पहुंचाने का काम अपने दोस्त को देता है। अब आगे देखने वाली बात होगी कि क्या कोमाराम और अल्लूरी तक वो चिट्ठी पहुंच पाती है या नहीं। फिल्म आरआरआर की रेस में प्रभास ने यश को पीछे छोड़ दिया है। सोर्सेज की माने तो मेकर्स ने इस फिल्म के लिए प्रभास का नाम फाइनल किया है। प्रभास को हम सभी बाहुबली में उनके दमदार एक्टिंग से जान चुके हैं। ऐसे में अगर आरआरआरआर में खुदीराम बोस के कैरेक्टर को प्ले करते हैं तो ज़रा सोचिए दोस्तों, फिल्म को कितना हाइप मिलने वाला है। वहीं बाहुबली द कंक्लूजन के बाद फैंस एक लंबे अरसे से डायरेक्टर राजामौली और प्रभास को एक बार फिर से बड़े पर्दे पर यानी कि सिल्वर स्क्रीन पर एक साथ देखने का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि अब तक फैंस को इतना आइडिया तो लग चुका है कि राजा मौली अब जब भी कोई फिल्म बनाएंगे वो मास्टरपीस ही होगी। जहां उड़ती हुई खबरें बता रही हैं दोस्तों कि फिल्म में प्रभास की एंट्री हो सकती है, वहीं दूसरी ओर मेकर्स ने इस बात पर अभी तक चुप्पी साधी है दोस्तों, उनकी तरफ से ऐसा कोई भी बयान नहीं आया है। तो दोस्तों आपका क्या कहना है, क्या आप एक्साइटेड हैं प्रभास को जूनियर एनटीआर और रामचरण के साथ फिल्म में देखने के लिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।